नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फोक्सवैगन की परफॉर्मेंस सेडान व्हिच इज वर्टस जीटी। आपसे बात करूंगा गाड़ी के एक्सटीरियर की, इंटीरियर की, क्या क्या फीचर्स हैं गाड़ी के अंदर, किस क्या क्या जो है कलर ऑप्शंस आते हैं गाड़ी के साथ में, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कार्स एंड बाइक से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए। अच्छा, ये जो गाड़ी है वो हमें मिली है फोक्सवैगन दिल्ली ईस्ट की तरफ से। तो अगर आपको फोक्सवैगन की कोई गाड़ी खरीदनी है ना, अगर आप NCR से हैं तो आप जो है वहाँ से गाड़ी खरीद सकते हैं। एंड उनका जो नंबर है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैं मेंशन कर दूंगा। दोस्तों, शुरुआत करते हैं गाड़ी के इंटीरियर से। तो इंटीरियर में जो पहली चीज़ आप नोटिस करोगे वो है आपके प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स। काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगते हैं, स्लीक सा जो है लुक है इनका। इधर आपको GT की बैजिंग मिल जाती है। अगर आप देखें तो कुछ इस तरीके का ग्रिल है, उसके नीचे आपको पियानो ब्लैक और क्रोम का फिनिश है, और यहीं पर ही फॉग लाइट्स आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ये जो फॉग लाइट्स हैं ये आपके जो है टर्निंग वाला जो आपका फंक्शन होता है, कॉर्नरिंग फंक्शन जिसको बोलते हैं, उसके साथ आता है। उसमें क्या होता है, जब भी आप लेफ्ट या राइट अगर आप स्टेयरिंग करेंगे तो उस तरफ का जो फॉग लाइट है वो ऑन हो जाता है। अगर आगे बात करें साइड में, तो पहले आपको जो है 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। जो प्रोफाइल है टायर का, दैट इज 205/55 R60। रेड कलर के आपको ब्रेक कैलिपर भी मिल जाते हैं यहाँ पे। फेंडर भी अगेन GT की बैजिंग। अगर कलर ऑप्शन की बात करूँ तो सारे कलर्स में कार्बन स्टील को छोड़ के, जो ग्रे कलर है उसको छोड़ के, सब में आपको डुअल टोन मिल जाता है, जो कि आपके ओवर बीम पे रहेगा, रूफ पे रहेगा। तीसरी जो चीज़ रहेगी बाहर से वो रहेगी आपकी स्पॉइलर, जो कि बूट के ऊपर रहेगा। अब अगर बात करें आगे की, तो यहाँ पे ORVM जो है वो ऑटो एडजस्टेबल, मतलब ऑटोमेटिक नहीं, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल दोनों आते हैं। कीलेस एंट्री का रिक्वेस्ट सेंसर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। चाबी आपके पास रहनी चाहिए, दबाएंगे अगर इसको तो लॉक एंड अनलॉक हो जाएगा। ऊपर जो है सनरूफ की प्लेसमेंट है, इसके आगे शार्क फिन एंटेना भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। एक बढ़िया चीज़ मेरे को ये लगती है कि पीछे की जो लाइट्स हैं वो पहले से स्मोक्ड हैं, तो काफ़ी ज़्यादा जो है खूबसूरत लुक इस गाड़ी को मिल जाता है। स्पॉइलर आपने देख ही लिया है। पीछे अगर बात करें तो क्रोम का फिनिश है, वर्टस की बैजिंग है एंड फोक्सवैगन की बैजिंग है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं गाड़ी के इंजन की। तो इंजन जो है इस गाड़ी के अंदर आता है आपका 1.5 लीटर का TSI मोटर, जिसको फोक्सवैगन कहता है 1.5 लीटर ईवो TSI। तो ये जो इंजन है, दिस इज़ द सेम यूनिट विच वॉज देयर इन फोक्सवैगन T-Roc। तो वही सेम इंजन है। पावर फिगर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो जो पावर है दैट इज़ 150 PS, एंड अगर हम टॉर्क फिगर की बात करते हैं तो वो 250 Nm का आपको जो है टॉर्क फिगर इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है। पावर की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छी जो है एक्सेलरेशन आपको मिल जाती है इस गाड़ी से। रीज़न उसके पीछे मुझे लगता है कि जो 250 Nm का टॉर्क है वो सारा का सारा आपको पीक जो है 1500 RPM के आसपास मिल जाता है। अच्छा, अब जो एग्जैक्ट फिगर है पावर के या फिर टॉर्क के वो मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, आप एक बारी देख सकते हैं। तो जिस तरीके का इंजन है, अच्छा इंजन में एक स्पेशल फीचर भी आता है विच वी कॉल ACT, विच इज़ एक्टिव सिलेंडर टेक। अब इसके साथ क्या होता है, जब भी आप एक स्पीड पे क्रूज़ कर रहे होते हैं, लाइट फुटेड गाड़ी को चला रहे होते हैं, तो जो आपका इंजन है वो दो सिलेंडर्स में जो फ्यूल का सप्लाई है उसको बंद कर देता है, ताकि पावर की अगर आपको ज़रूरत कम है तो पावर कम जो है प्रोड्यूस करे इंजन और आपको एवरेज अच्छा निकाल के दे। ट्रांसमिशन ऑप्शन की भी साथ ही के साथ बात कर लेते हैं। तो ट्रांसमिशन ऑप्शन जो है उसका गियर नॉब कुछ इस तरीके से लगता है, एंड जो है इट इज़ अ 7-speed DSG यूनिट विच इज़ DQ200 आपका जो आया करता था पहले ऑक्टाविया में, या फिर आपका पोलो GT जो 1.2 आती थी उसके अंदर भी यही सेम ट्रांसमिशन का इस्तेमाल जो है किया गया था। तो काफ़ी अच्छा ट्रांसमिशन है, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी स्लीक है, शिफ्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं गाड़ी के इंटीरियर की। तो पहले चलते हैं इंटीरियर में
और आपको सिक्स वे एडजस्टेबल ड्राइवर सीट मिल जाती है। दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली ये है कि जो आपकी सीट है जो को ड्राइवर वाली है वो भी आपको हाइट एडजस्टमेंट के साथ मिलती है। पहले बात कर लेते हैं डोर पैड्स की, तो यहाँ पे जो है लॉक एंड लॉक की प्लेसमेंट यहाँ पे दी गई है। चारों पावर विंडोज के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं। ORVM के जो कंट्रोल्स हैं वो इस तरफ दिए गए हैं। हेडलाइट की कंट्रोल यहाँ पे हैं, ठीक है जी। आप पहले इसका स्टार्ट स्टॉप बटन दबा देते हैं, इग्निशन ऑन कर लेते हैं। स्टार्ट स्टॉप बटन की जो प्लेसमेंट है वो यहाँ पे है। जो आपका स्क्रीन है, जो आपका स्पीडोमीटर है, वो पूरा का पूरा डिजिटल है और कुछ इस तरीके का लगता है। इसमें तीन लेआउट्स हैं जो कि रहते हैं, ये पहला, दूसरा और तीसरा। तो जिस तरीके के लेआउट हैं इनमें भी आप चेंज कर सकते हैं इन बटन्स के थ्रू, और जो है जो भी आप चाहें वो लगा सकते हैं, ठीक है। क्रूज कंट्रोल के यहाँ पे प्लेसमेंट है। इसके बाद में वॉल्यूम का कंट्रोल्स यहाँ पे है, एंड अगर नेक्स्ट एंड प्रीवियस करना है तो वो यहाँ से कर सकते हैं। पैडल शिफ्टर्स की प्लेसमेंट यहाँ पे है आपके, वाइपर का कंट्रोल यहाँ पे, और हेडलाइट या फिर हेडलाइट नहीं, इंडिकेटर के या फिर आपको डिपर अगर देना है तो उसके जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे हैं, ठीक है जी। आगे अगर बात करते हैं डैशबोर्ड की मेन, तो 10 इंचेस का म्यूजिक सिस्टम आपको मिल जाता है, और जो कि वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल का प्ले को जो है सपोर्ट करता है काफ़ी अच्छा जो है म्यूजिक सिस्टम है। टच वाइज काफ़ी अच्छा है, रिस्पॉन्सिव है, किसी भी तरीके का कोई भी लैग इसके अंदर नहीं है, एंड ओवरऑल काफ़ी अच्छा है। नीचे अगर बात करें तो ये पूरा का पूरा डिजिटल आता है आपका। जो सेंट्रल पैनल है एसी का, इसमें क्या है आपका सारा का सारा टच पैनल है। यहाँ से आप टेम्परेचर कम ज़्यादा कर सकते हैं, यहाँ से आप लो स्पीड चेक कर सकते हैं, आपको हवा किस तरफ चाहिए वो यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। एसी अगर लिखा हुआ है तो ये ऑन है, अगर नहीं लिखा हुआ तो ये ऑफ है। ऑटो आप यहाँ से कर सकते हैं, ये रियर डिफॉगर, ये फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर। तो जिस तरीके के कंट्रोल्स हैं यहाँ पे। गियर नॉब की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पार्किंग, रिवर्स, न्यूट्रल ड्राइव, एंड ये वाला जो एस है दिस इज स्पोर्ट्स। अगर आपको इसमें एस में शिफ्ट करना है तो आपको कुछ नहीं करना होता, बेसिकली आपने ड्राइव में आना है। ड्राइव जब आ जाए तो आपको एक बारी से पीछे की तरफ पुश करना है, दिस इज स्पोर्ट्स। अगर दोबारा करेंगे तो फिर ड्राइव में आ जाएंगे, एंड अगर इसे इस तरफ कर देंगे तो दिस इज अ मैनुअल। वेंटिलेटेड सीट्स के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे हैं। आपका जो है पियानो ब्लैक फिनिश मिल जाता है, लाइट ग्रे कलर का फिनिश है। अगर रेड कलर आप जीटी के अंदर ले रहे हैं तो वहाँ पे जो ये वाली फिनिश है, ये सारा जगह पे जहाँ पे भी लाइट ग्रे का फिनिश है ये आपका रेड कलर का आता है। बाकी सारे के सारे कलर्स के साथ में ये इसी तरीके का ग्रे कलर के अंदर आता है। अगर पास से देखना चाहें तो कुछ इस तरीके का फिनिश है, ठीक। अगर बात करें अंदर ग्लव बॉक्स की, तो कूल ग्लव बॉक्स के साथ आता है ये कार। एंड जो है स्पेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाता है यहाँ पे। बीच में आपको सेंट्रल आर्मरेस्ट विद स्टोरेज और दो कप होल्डर्स की प्लेसमेंट, 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट, ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। पैडल्स की अगर बात करूँ तो वो भी मेटल फिनिश में है और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगता है। अगर अब चलें पीछे की तरफ, उससे पहले आपका जो ऑटो डिमिंग IRVM है वो भी यहाँ पे मिल जाता है आपको। लाइट के कंट्रोल्स यहाँ पे हैं, एंड सनरूफ आपका कुछ इस तरीके का है। अब चलते हैं रियर में, वहाँ दिखाता हूँ आपको कितना स्पेस है। देखिए आगे वाली जो सीट है वो मेरे हिसाब से एडजस्टेड है, एंड अगर मेरी हाइट आप पूछें तो काफ़ी ज़्यादा है, करीब 6 फुट की हाइट है मेरी। एंड उसके बाद भी मुझे अच्छा खासा स्पेस जो है मिल जाता है यहाँ रियर में। आपको बीच में आर्मरेस्ट मिलता है विद आपके कप होल्डर्स, तो वो भी काफ़ी अच्छी चीज़ है, आराम से जो है इन्जॉय कर सकते हैं। फ्रंट का जो आपका लुक है वो कुछ इस तरीके का। अच्छा, एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया हूँ, आपका जो चार्जिंग पोर्ट है वो दो आपको दिए जाते हैं यहाँ पे, एंड उसी तरीके के चार्जिंग पोर्ट आपको यहाँ पे भी मिलते हैं। पीछे का रियर AC वेंट्स आपको ऐसे मिलते हैं, एंड फ्रंट का लुक कुछ इस तरीके का। काफ़ी ज़्यादा अच्छी जगह है और स्पेशियस जगह है। दो लोगों के लिए बेस्ट है, तीन लोग भी बैठ सकते हैं लेकिन दो लोगों के लिए बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बूट स्पेस की, तो बूट स्पेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। 521 लीटर्स का बूट स्पेस है। जो लोडिंग लिप है वो मुझे थोड़ी सी लगती है, और उसके अलावा जो है स्पेस काफ़ी ज़्यादा अच्छा। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आप अपनी चाबी से ही इसको जो है ओपन करना चाहें तो आपने जो ये चाबी के अंदर कंट्रोल है इसको दबा के रखना है, ये खुद ब खुद ओपन हो जाता है, ठीक है जी। और अच्छा है मैकेनिज्म, अच्छा है, जबकि मैनुअल है, ये ऑटोमेटिक नहीं है, इसमें किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिक सिस्टम नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छी जो है उन्होंने मैकेनिज्म बनाया है, ये आराम से अपना खुद ही रुक जाता है जाके, तो ये भी अच्छा है। आगे अगर बात करते हैं सेफ्टी फीचर्स की, तो देखिए ग्लोबल एनकैप के अभी रिजल्ट्स आए हैं। 5 स्टार इसने अडल्ट सेफ्टी में स्कोर करा है, 5 स्टार चाइल्ड सेफ्टी में स्कोर करा है,
सेफ्टी फीचर्स की अगर बात करते हैं तो ABS, EBD, ESC, XDS, XDS Plus, MKB जो सारे के सारे फीचर्स आपके सेफ्टी से रिलेटेड होते हैं ऑलमोस्ट सारे के ही सारे हैं, और सेफ्टी के मामले में अनडाउटेडली काफ़ी ज़्यादा अच्छी गाड़ी है। बात करते हैं आगे हम लोग प्राइजिंग की, तो प्राइजिंग जो है GT की वो यहाँ पर मैं आपको मैंशन कर दूँगा स्क्रीन के ऊपर। और जो है गाड़ी की अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो अगर आपको लुक्स के मामले में बहुत ज़्यादा अच्छी अगर गाड़ी देख रहे हैं, प्लस ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा चाहिए आपको गाड़ी का कि आपको जो है दिक्कत ना आए कभी भी ख़राब रास्तों पे जाने पे। हाँ ये चीज़ मैं बतानी भूल गया, लेकिन 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है इस गाड़ी का और काफ़ी ज़्यादा जो है ये इसको काबिल बनाता है ख़राब रास्तों पर जाने के लिए। ओवरऑल गाड़ी का प्राइस मैंने आपको बताया है। इसके बाद में अगर गाड़ी की ओवरऑल मैं बात करूँ, कंफर्टेबल है, जगह काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, ऊंची है, ख़राब रास्तों पर आप चला सकते हैं, फीचर्स अच्छे खासे हैं, दिखती अच्छी है, ओवरऑल मेरे हिसाब से सारे ही जो बॉक्सेस होते हैं वो टिक करती है ये गाड़ी। आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।